भगवान वीरस वीरस अब चाप की अब भी अब सामने महाभारत पुराण विष्णु पुराण तमाम सुने हुई है एक क्रांतिकारी विधवा आई आई कर देंगे धरती गगन अरे कभी ना झुकेगा ये अपना तिरंगा अरे भेद स्तरों की चढ़ा देंगे हम अरे बहाकर रहेंगे आजादी का गंगा हो गए जुर्म से तब जागा जोहर तब दिल में तूफानी खून से लाल कर देंगे धरती गगन कभी न झुकेगा ये अपना तिरंगा भेंट सलों की चढ़ा देंगे हम बहाकर रहेंगे आजादी का गंगा मर साहब गजल की भाव का नबा
लड़ाई करी आई हुआ मरा चमड़ा पीटता है बेचारा। वाह पहले कहानी की समझ ला। वाह भारत की देखी हालत जब वीर बन गए बागी। वाह अब जननी की गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी। अब हम अंग्रेजों की गुलामी। वाह जब हमारा भारत देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हमारे हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने मिलकर एकजुट बनाकर मीटिंग की है कि हमारा भारत देश गुलामी की जंजीरों में कब तक जकड़ा रहेगा। हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये कहानी वहां से शुरू होत बा ये भैया 13 अप्रैल सन 1919। 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाले बाग में कम से कम 20,000 क्रांतिकारियों का मेला लगा था। बैसाखी मेला आज भी बैसाखी मेला लेकिन बिरहा में गौर कराया बाबू 20,000 क्रांतिकारियों का मेला लगा कि हमारा भारत देश गुलामी के जंजीरों में कब तक जकड़ा रहेगा। हम इस पर विचार करेंगे और हम सबके सहमत से आगे चलने का कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये भैया उस समय आपका परिवार खुशहाल रहे। लेकिन ये भैया उस समय मेला लगा तमाम लोगन अपन अपन विचार रखा थे कि कब तक ऐसे हमारे बहन बेटियों का इज्जत नीलाम होगा। कब तक हम ऐसे सहेंगे। अरे हमारा भी इज्जत तो इज्जत है। मीटिंग चलत बा लेकिन भैया उसी बीच में एक पापी जिनके नाम रहे जनरल डायर 18 मिनट लगातार उजलिया वाले बाग में गोली चलवा दिया। तर 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 जब गोली चलवा देता है कोई जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाता है, कोई गड्ढे में कूद जाता है, कोई दब कर मर जाता है। फिर घायल हो गए लेकिन उसी के बीच में एक भुट्टे से थे मतलब भंडार भरा रहे। लेकिन भैया जब 18 मिनट लगातार वो जनरल डायर गोली चलवा देता है बहुत सारे मर गए जान बचाने के लिए। उसी में उधम सिंह के एक नाम का लड़का था। उधम सिंह के उमरिया लगभग 12-13 बरिस की रहे। उधम सिंह अपने बाबूजी से जिद का के कहे कि बाबूजी आज हम बैसाखी मेला देखब। बाबूजी कहन कि चल बेटवा अगर जिद करत हुए तो हम तो के लिया के चलो। बाबूजी उनके लिया के चले। जब 18 मिनट लगातार गोली वहाँ पर जनरल डायर चलवाया था उधम सिंह के पिताजी अपने बेटवा के बचाव के चक्कर में सीने में गोली खा के आज प्राण त्याग देते है और मरते दम तक अपने उधम सिंह बेटवा से कहलन बेटा धरती माँ की कसम खा कि अपने बाबू की कसम खा अपने क्रांतिकारियों को कसम खा की कहो कि जब तक जनरल डायर से आप बदला नहीं ले लेंगे तब तक अपने जान जोखिम में मत डालना। लेकिन ये भैया उस समय कहना काबा आज जनरल डायर की खोज में उधम सिंह चल पड़ता है और ये राम कृपाल पाल धनईपुर की धरती से 101 रुपए दे के सम्मान की भैया के बहुत बहुत प्रणाम। माँ सबे के गीत लगे कहना बा कौन दुल्हन की प्रिया परदेश में है भैया और परदेश में कहते नहीं कि जैसे शरीर पे सांप लौटे बिना पति के शरीर पे सांप लौटे वो दुल्हन की एकदम दिल में ऐसे जैसे कांटा चुभत बा। मतलब अगर परदेश गए हैं तो बिना कमाए पैसा लेके तो वही है ना भाई लड़का बच्चा परिवार लंबा बा खर्चा लंबा बा तो पैसा कमाए के पड़े। अब कहते नहीं कि जहाँ पैसा बा हुआ सब कुछ बा। ट्रैक्टर वाला खेत कहाँ जोतेंगे कहना बा
लेकिन अभी भवन कहना बा उधम सिंह आज बदला की आग में धधक रहा है कि कहाँ मिले जनरल डायर ना। मैं उसका बदला उससे बदला मैं जरूर ले लू लेकिन कहना बा कैसन समय बीतत बा कैसन धीरे धीरे बीतल 20 साल के समय या अरे झड़ के पंजाब उठम गईले बम्बईया उधम सिंह पंजाब छोड़कर आज मुंबई में आते हैं जनरल डायर के खोज में। जब 20 साल को समय बीता आज उस समय उधम सिंह की कम से कम 30-32 साल की उम्र बाटे। भैया घर मालिक का आदेश बा कि हमारे भंडारे के जितने कार्यकर्ता हैं हमारे बड़े भैया लोग अपने अपने काम पर पहुंच जाए लेकिन कहना भाई भैया 30-32 साल की उम्र बा पंजाब छोड़ के जनरल डायर की खोज में मुंबई में गए जुहू चौपाटी के किनारे समुद्र के किनारे जब पहुंचे जनरल डायर की खोज में उस समुद्र में बड़ी बड़ी नाव चलत बा भैया। एक नाव खूब बड़ी के रहे तमाम यात्रीगण बैठे थे सवार हुए थे और तनिक देरिया में कहते नहीं कि पलक झपत न भेल और उठावत न भेल घटना खट से घट गई समुद्र में वो नैया डूबे लाग। उधम सिंह चिल्ला के कहने लगे भाई नाव डूब रही है बचाओ बचाओ। लेकिन ये भैया उस समय होठ कमाए के गीत लग गई कोनो दुलही सोला सिंगार करे बा बढ़िया से एकदम मिजाज में सौदा जमा घूमती है बेचारी बढ़िया से एकदम मिजाज में अपन सोला सिंगार की है बा अपने दुल्हा के पास भी कहे राजा जी हम तो से एक बात कहते हैं दुल्हा को के नहीं बतावा कौन बात था दुल्हनिया कहत बा का कहे तनिक तो लैला हो ए राजा लैला हो ए बलमुआ लैला हो कहे तनिक तो लैला हो बलमुआ हमके लेकिन अभी हम कहना बा नैया डूबत बा के नैया डूबत बा तू बलधारा बीचे तू बलधारा बीचे तू बलधारा बीचे रेखा के नवारिया लड़की उ लड़की के नाम रहे रेखा रेखा के नैया डूबल जब लाग लहर में समुद्र के लहर पे उधम सिंह देखा तो दुरिया से हलमत गए भैया नैया डूबल भैया
बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उधम सिंह के कूदे की हिम्मत ना पड़त बा, काहे बोले कि अपने पिताजी से वादा किए रहे कि जब तक जनरल डायर से हम बदला ना ले ले तब तक अपन जान जोखिम में ना डालो। जब केहू ना कूदे खातिर तैयार है समुद्र में तो कहे की देखा जोन आगे होई देखा चाहिबा। अगर हमारे सामने हमार हिंदुस्तान के बहन बेटी डूब के मर जी तब हमके बड़ा उनके शराब लगी कि एक इंसान था मनई मनई बहुत कम समझ में लेकिन ऊपर वाला सब दिखत है। छलांग मार के कूद गया उधम सिंह नैया डूबते हुए बचाए उ लड़की जेके नाम रहे रेखा। रेखा जब उधम सिंह के देखे तो रेखा बहुत बड़ी मतलब सेठ के बिटिया थी और उस सेठ का नाम रहे धनपत राव। धनपत राव सेठ का बिटिया रेखा एक लौती बिटिया रहे। जवन जवान से निकलत रहे उ लड़की के मुंह से तवन पिताजी हाजिर करत रहे। जब रेखा उधम सिंह के देखे तो एकदम देखते रह गए अरे वाह क्या बात है मन ही मन में एकदम मोहब्बत कैली हस। उधम सिंह उधम सिंह के कहे कि आपका नाम क्या है। उधम सिंह एकदम टर्रबाज ये लड़की मेरा नाम पूछ कर क्या करोगी। रेखा कहे कि ये हमरे ओरी देखा तनिक देखा तनिक देख खुला मम्मी बड़े कहा थे कि तोसी बेहद मोहब्बत करी था एक मतलब बचाव की आपकी तोहफा मिला था। लेकिन रेखा एक बात कहे मतलब गीत बा मेला देखे खाती लेकिन दुल्हा बोल पड़ा क्या बोले नया नोहर अभी कनिया बरहू नया नोहर अभी कनिया बरहू हम देखे तब से हम तो से बेहद मोहब्बत करी ला। लेकिन हम तो से एक कसम खात हुई सात वचन निभावे की कसम खात हुई कि मरब तोहरे साथ जियब तोहरे साथ ही। लेकिन का कहे का कहे तोहरा बिना हम जी ना पाई जिंदगी तोहरे साथ बिताई तोहरा बिना जी ना पाई जिंदगी तोहरे साथ बिताई रेखा के उधम सिंह सुना उधम सिंह डांट की कहता है तुम मेरे बारे में अभी जानती न हो कि मैं किस जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ किस वचनों में मैं जकड़ा हुआ हूँ तुम्हें पता नहीं। अगर तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ जाएगी तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी।
रेखा कहती है कि देखो मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन हमारी परेशानी आप नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन है भैया, रेखा जब कहे उधम सिंह से कि मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, भैया पीछे शांति का पर्चे, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, आप मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे। उधम सिंह दान की कहने लगा कि मैं मानता हूँ कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, नहीं मैं आपसे प्यार कर सकता हूँ, लेकिन हाँ जब मेरे बारे में मेरी कहानी समझ जाओगी तब आप समझोगी कि मैं किस परेशानी में जूझ रहा हूँ। रेखा एकदम फुसला की कहे कि बतावा कौन परेशानी बा, कहे क्या कहे, गीत लग गए। बड़ी सुंदर गीत संकेत बा क्वेश्चन, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जिसे बतावाई ऊ जलिया वाले बाग की घटना की का वो तन की सर जमी पर सर, वो तन की सर जमी पर सर कटाना होके जो वही दुश्मन हमारा है। उधम सिंह रेखा से एक एक बात जलिया वाले बाग को बताए और उस समय रेखा के आंखों में आंसू आ जाता है और कहने लगी कि मैंने आपसे प्यार किया है, मोहब्बत किया है, मैं कुछ आपको देना चाहूंगी, वो भी मैं आपको कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ये रेखा आपका साथ जरूर देगी। रेखा गई अपने पिताजी से, धनपत राव शेर जी से रिक्वेस्ट की कि पिताजी, इनका नाम है उधम सिंह और ऐसी ऐसी बात है कि जलियांवाले बाग में ऐसे ऐसे घटना हुआ, जनरल डायर की खोज में यहाँ तक आए हैं। धनपत राव शेर जी जब कुलबतिया रेखा की सुने, कहने लगे जैसे आपकी आज्ञा हो बेटी, जैसे आपकी आज्ञा हो। रेखा कहने लगी हमें लंदन जाने के लिए दो टिकट चाहिए। धनपत राव सेठ जी लंदन जाने के लिए दो टिकट कटवा देते हैं। मां सब तेरी के भाव का नवा क्वेश्चन, कुर्बानी मांगे भारती देश सवाल, अरे कुर्बानी हाय कुर्बानी मांगे भारती दे सवाल, गर्चा पीर बघेला शर हिंद सैलानी हो सैलानी, कुर्बानी मांगी भारत दिसवा, गर्जा पीर बघेला शर हिंद सैलानी, कुर्बानी मांगी भारत दिसवा। आज दो टिकट जब लंदन जाने के लिए धनपत राव सेठ कटवाए, रेखा उधम सिंह
जाके लंदन पहुंचते हैं। लंदन में जब पहुंचते हैं तो वहां पर जनरल डायर की खोज में जगह जगह जाकर पता लगाने लगे। लगभग 10-15 दिन लगातार काम करने लगी। मां सब पापड़ की भूमिका न हो लंदन दरमया ने जान से मारूंगा। अरे पहुंचा जाके लंदन के दरमया ने जान से मारूंगा। अरे चाह मिलेगा जनरल का शैतान जान से दरमयान जान से मारूंगा। जहां मिलेगा जनरल डायर शैतान जान से मारूंगा। लंदन में जनरल डायर की खोज में वहां पर एक काम करने लगे फोटोग्राफर का। क्या नाम है क्वेश्चन? अरे अपन के फोटोग्राफर भैया उधम खींचता सबिरिया। एक दिन देखा या के बतावली पत्रकार के खबरिया। अरे उधम सिंह का हुआ काम या सान जान से मारूंगा। जहां मिलेगा वो डायर सदान जान से मारूंगा। लंदन में एक जगह जाके उधम सिंह फोटोग्राफर का काम करने लगे। लोगों की तस्वीर खींचने लगे और मन में यही आस लगाने लगे कि इसी किसी न किसी जरिए से वो जनरल डायर जरूर मिलेगा। एक दिन पेपर में छप के आया कि किसी कास्टन हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में भाषणबाजी करने जनरल डायर उस महफिल में आ रहा है, मीटिंग में आ रहा है। लेकिन ये भैया वो पेपर जब रेखा पढ़ी तब जाके उधम सिंह को बताई। उधम सिंह उस समय अपना रिवाल्वर लेकर तैयार हो गई, वतन की टोपी लेकर पहनकर और अपने पूरे हर्षोल्लास के साथ भारत माँ का नारा लगाकर आज जनरल डायर को मारने के लिए उसी कास्टन हॉल में चलते हैं। मार साहब कैसन भारत माता की जय बोल के सपुतवा भैया। सम्मानित बड़े भैया जी की ओर से और ये भुक्तिपुर की धरती से निन्नूपाल जी की ओर से 101 रुपए दे के सम्मान किया बड़े भैया के। बहुत बहुत बड़ा जनरल डायर को मारने के लिए एक समय सब जनता जनादर की स्वागत। लेकिन ए भैया उसी कास्टन हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में जनरल डायर भाषणबाजी कर रहा था, भाषण दे रहा था। तमाम अंग्रेजों की सिपाहियां, तमाम ऐसे सिपाही लोग लगे हैं
लेकिन ये भैया उस समय भाषणबाजी क्या कर रहा है कि भाइयों अरे भाइयों मैंने हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान की धरती पर जलियांवाले बाग में इतनी गोली चलवाई और मैं यहाँ पर गोली बम छोड़वाया, वहाँ पर बारूद छोड़वाया, वहाँ पर बहन बेटियों का इज्जत लुटवाया, तमाम भाषणबाजी कर रहा, तभी जनरल डायर को मारने के लिए उधम सिंह सामने से पहुँच कर तर 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 गोली चला देते हैं। जब गोली चला देते हैं तब जनरल डायर धरती पर गिरता है और तमाम अंग्रेज लोग जितने हमारे पुलिस कर्मचारी सिपाही लोग थे सब घेर के पकड़ ली और गिरफ्तार करते उधम सिंह को। कहना तनिक बदल क्या बताओ होके जब उधम सिंह जाते हैं जेल में तो उनका मुकदमा चलता है। मुकदमा चलता है, अदालत से फैसला आता है कि इस तारीख को और इस टाइम पर उधम सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। जब उधम सिंह को पता चलता है कि रे मेरी फांसी होने वाली है तब ठट्टा मार के उधम सिंह हंसने लगा और कहने लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अपने देश के लिए अपने जान को अगर मैं कुर्बान कर दूंगा हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भैया आज उधम सिंह फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जब फांसी का डेट आया, समय आया, तुमको ले गए जल्लादों ने काला कपड़ा डालकर, फांसी का फंदा डालकर, और उसके बाद आखिरी इच्छा पूछने लगे, आखिरी इच्छा पूछने लगे, कहने लगे अरे उधम सिंह कहे कि हाँ बोला कहे कि आखिरी इच्छा बा कुछ खाई के कुछ पिए के। उधम सिंह कहा न खाई की इच्छा बा न पिए की, खाली मिले की इच्छा बा। कोई जल्लादों ने बड़ा हंसा कि दुनिया खा पीर के फांसी के फंदे पर चलता है और ये साला कह रहा ना खाए की इच्छा बा न पिए के खाली मिले की इच्छा बा। जल्लादों ने कहा किससे मिलना है, कहने लगा कि हमें एक लड़की से मिलना है। तब जल्लादों ने और बड़ा हंसा को मैंने सोचा अपने माँ बाप से मिल गए तो एक लड़की की चक्कर भी पड़ा है, एक लड़की से मिलना है, हमें लड़की से मिलवा दीजिए। जल्लादों ने कहा कि पट्टे लड़की का नाम क्या है, तो लड़की का नाम है रेखा, कोई अच्छा रेखा से मिलना है। तो जल्लादों ने कहा ये फांसी का फंदे पर चढ़ने वाला है और इसको जवानी सूझी है, ये लड़की से मिलके मरने वाला है। डांट की बोला उधम सिंह डांट, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, अपने देश के लिए अपने क्रांतिकारियों के लिए मैं अपना जान कुर्बान कर रहा हूँ। कहे अच्छा रेखा नाम की लड़की से मिले कबा। संदेश भेजा गया, रेखा भागते भागते आई आंखों में आंसू लेके और उधम सिंह के गले से लिपट गई और कहने लगी कि उधम सिंह हमें नाज है कि आप जैसे लड़कों से मैंने प्यार किया है, हमें एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तब ले उधम सिंह कहे अरे रेखा कह रोबत है क्योंकि अच्छा बतावा न मिल पाया को गए मारा बहुत ज्यादा प्रेमला के चक्कर पड़ा है बेचारा। उधम सिंह कहे देखा तू कहे रोबत हो, कहे कि देखा हम कहे बरे रोबत थे, हमारे दिल का फीलिंग तू समझ सका था कि हम तुझसे सात वचन
सात वचन निभाने का वादा किया था, मैं आपसे शादी करूंगी, आपके साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन वो पूरा हो न सका। फिर भी कोई बात नहीं है, मैं आप जैसे लड़कों से प्यार किया है, क्रांतिकारियों के लिए अगर मेरी भी जान चली जाए इस देश के लिए, तो मैं भी अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ। लेकिन भैया उस समय उधम सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ने से पहले रेखा से एक बात कहा कि अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा मेरी फांसी हो जाएगी, तो एक बात याद रखना रेखा, ये मेरी लाश को लेके जाना अपने हिंदुस्तान की धरती पर, कफन दफन करना जल्लादों के हाथों, अंग्रेजों के हाथों मेरा लाश मत लगने देना, ये मेरा आपसे वादा है, वादा करो। लेकिन उस समय हो कब बड़ी सुंदर गीत को संकेत कर लो, दादा एक गीत गावत रहे, क्या गावत रहे? अरे यबना मिली, दादा यबना मिली, ये पचौवा बना मिली, पतिव्रता मेहरारू अब ना मिली, नौकरिया सरकारी अब ना, अब ना मिली, पढ़वे लिखवे तब नौकरी मिली, लौड़िया बाजी करे मिली। अच्छा जैसे तू हाँ पढ़े है भाग, अब वही इनसे पूछे वही कई तलुक पढ़े हैं बचा दू, कई तलुक पढ़े हैं उसी काम से मतलब पढ़ाई, अरे बहुत पढ़े लिखे हैं बता दो, समाज लोगन बैठा है ना, 40 तक पढ़े है, 40 तक पढ़े हैं, देखा तू है 40 तक, ऐसा बा इनके उम्र 40-42 साल हो इस अंदाजा लगाए हैं कि हम 40 तक पढ़े हैं, कछारे में इतना मार जाएगा, इतना मार जाएगा, पियर की माटी फेंक दे, घरे ले जाई पाथे, तमाम ऐसा गीत है भैया, एक चीज ना मिली, कहो ना मिली, कहा ना मिली, अरे ये बना मिली, ए पंचवा बना मिली, ए दादा ये बना मिली, गौर करके कहा ना मिली, जे कई मर गई महतारी जब न मिली, अपना मिली महतारी ने नहीं, धरती पे मृत लोग की धरती पे जो आया है मानव के रूप में, जीव जंतु के रूप में, यही सत्य है, मौत ही सत्य है, जो इस दुनिया से चला जाएगा वो दोबारा नहीं मिलेगा, तमाम ऐसा गीत था मार सब विराम कहना बहा। लेकिन भैया उस समय उधम सिंह काला कपड़ा गले में जल्लादों ने डालकर फांसी का फंदा जब डाला, जैसे डोरी को खींचना चाहा फांसी का फंदा, तब उधम सिंह डांट के बोला, मैंने नेक काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, अगर मैं मरूंगा तो अपने हाथ से फांसी का फंदा खींच कर मरूंगा, तुम जैसे जल्लादों के हाथों मैं नहीं मरने वाला। जल्लादों को बगल हटा दिया और काला कपड़ा डालकर फांसी का फंदा गले में डालकर अपने हाथ से फांसी का फंदा खींच कर उधम सिंह अपना प्राण त्याग देते हैं।
धन्य धन्य वीर हो धन्य तोहरी विदताई, लंदन मिलिया जाके बदला चुकाई, पंजाब से मुंबई, मुंबई से लंदन, लंदन में अंग्रेजों के घर में घुस कर बदला चुकाया, अपने क्रांतिकारियों का बदला लिया। और सब सबसे कम उम्र में ओ हमारे क्रांतिकारी जिनका नाम है ऊधम सिंह, सबसे कम उम्र अपने देश के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, लंदन में बदला चुकाया और सपना पूरा हुआ क्रांतिकारियों का, आखिरी भावों का नाबा। स्वर्गीय बुधुल पंधारी जकर्ता गुड़गांव कथन किए कमल सिंह यादव सारद का वरदान, अरे कुर्बानी मांगे भारत देश सवा, कुर्बानी कुर्बानी मांगे भारत देश सवा, कहे सोना सुहानी सारद मां सवा, कुर्बानी मांगे भारत देश सवा, चल गई तेरी मेरी दोस्त।